इनकी पत्नी खुद ही इनको मारने आ रही है। देखना एक दिन तू मारा जाएगा, तुझे या तो पुलिस मारेगी या तेरे अपने लोग। कॉपीराइट धारक की सहमति के बिना इस वीडियो को किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रकाशित करना भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उल्लंघन है। कॉपीराइट के उल्लंघन करने के लिए न्यूनतम सजा 6 महीने की कैद है और न्यूनतम 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। बार बार उल्लंघन करने पर न्यूनतम सजा 1 वर्ष की हो सकती है और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पैसा बचा 2 करोड़। अबे झूठ बोल रहा है ये। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। अगर इसके बाद तेरी बीवी नहीं मानी तो मेरी किस्मत। अरे और डाल दो। हाँ भैया। हाँ सुन पोली। हाँ पंडित को लेके ऊंचे टीले वाली क्रॉसिंग पे पहुँच। हाँ भैया हम ऊंचे टीले वाले क्रॉसिंग पे पहुँच रहे हैं। अरे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे ना भैया आप टेंशन न लो, हम मैनेज कर देंगे। अच्छा ठीक है, फोन रख, निकल जल्दी। हाँ भैया ठीक। पंडित जी एक टेस्ट ड्राइव करा के लाते तुमको। काले यार चलो। अरे यार तो सही है। हाँ भैया। हाँ हाँ गाड़ी क्रॉसिंग पर लगा दी है। हाँ अरे नहीं भैया आप टेंशन ना लो, हम सब मैनेज कर लेंगे। अच्छा यही रुकना। हाँ ठीक भैया ठीक। बोली भाई पानी मिलेगा? देखो बेटा पोली, तुम मेरे बेटे की उम्र क्यों इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। कुछ नहीं रखा इस काम में, जितनी जल्दी हो सके इस काम को छोड़ दो। हेलो। हाँ बाबू हम एक अर्जेंट मीटिंग में है ना। हाँ अरे माँ कसम बता रहे हैं, अगर ये डील फाइनल हो गई ना बाबू, 50 गज का प्लाट तुम्हारे नाम कर देंगे हम, और तुम्हारे बाप से तुम्हारे हाथ मांग लेंगे। देखो ऐसा है बाबू, अभी हमको रखना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ लव यू बाबू। देखना एक दिन तू मारा जाएगा, तुझे या तो पुलिस मारेगी या तेरे अपने लोग। पंडित जी ऐसा है ना, आप ये जो अपनी सलाह समझे, यकीन नहीं हो तो देख लेना, मैं तेरे आदमियों की फितरत अच्छी तरह से समझ गया हूँ, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या समझ गया? कौन इस्तेमाल कर रहा है?
गाड़ी चला। भैया काम हो गया? अरे पंडित जी, आपके जैसा ईमानदार आदमी हमने आज तक नहीं देखा। मतलब साला अगर ये लॉकडाउन नहीं लगा होता तो एक ही बात में सारा काम हो गया होता। क्यों दत्ता? लॉकडाउन? लॉकडाउन क्या होता है? अबे लॉकडाउन की वजह से पूरा पैसा नहीं मिल पाया है। अबे तेरी समझ नहीं आ गया? हल गाड़ी चला। ए मादरचोद, क्या है लॉकडाउन पॉकडाउन? हमारा पैसा हमको मिला नहीं, हम क्या जाने लॉकडाउन? बहुत तेरे पर निकल आए, चल गाड़ी चला। देखिए मैडम, 5 दिन तक भयंकर दोष है राशि में। अगर कोई खून हो गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। अरे बस 5 ही दिन की तो बात है। तुम लोग कब से मानने लगे सब? अरे देखिए मैडम, हम कोई भी कांड करते हैं तो ग्रहों की दशा और दिशा देखकर ही करते हैं, तभी तो बचे हैं आज तक। हमको बड़ी आस्था है इनमें, हम इनके विपरीत नहीं जा सकते हैं। पंडित जी बिस्कुट खाओ आप। आपने तो कसम से बोनस ही कर दिया। ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? अब क्या बताएं पंडित जी, बाहर कलेश मचा हुआ है। अरे 24 घंटा नहीं हुए तुमको किडनैप किए हुए, लेकिन फोन पे फोन पहले चले जा रहे हैं। अरे कह रहे हैं तुमको मार के तुम्हारी लाश की फोटो भेज के कंफर्म करें। अब किसी की फितरत तो हम बदल नहीं सकते ना, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन मुझे सुकून है कि मरने से पहले मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो की। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही आना होगा। ठीक है तो आ जाइए, पता हम भेज रहे हैं। तो भाई साहब, हम अपने वादे के हिसाब से आपको 5 दिन टच नहीं करेंगे, लेकिन अब हम क्या करें? आपकी पत्नी खुद ही आपको मारने आ रही है। क्या बात कर रहे हो दद्दा, इनकी पत्नी खुद ही इनको मारने आ रही है? हाँ बे, क्या बताएं पंडित जी, आप पहले ऐसे आदमी हो जिनके मरने का हमको बहुत दुख होगा। थोड़े दिन और जिंदा रह जाते तो थोड़ी लक्ष्मी सेवा हमारी और हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे ऐसे। क्यों दद्दा? फिर तो आप अकेली रहती होंगी। ख्वाहिश पूरी करो अपनी। डार्लिंग, एक गन तो तुमसे संभल नहीं रही है, प्रॉपर्टी क्या संभालोगी? और जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम कर रही हो ना, उसका फाइनल पेमेंट कल ही मैंने उठाया है। अगर यकीन ना हो ना तो अपने पिंटू भैया से पूछ लो। क्या मजाक कर रहा मैडम, इसको जल्दी खत्म करो और हमको फ्री करो। ए चुप चुप चुप, क्या बकर बकर कर रही है? अरे लाओ मैडम, तुमसे नहीं होगा, मैं खत्म करता हूँ इसको। ए चुप, इधर लाओ।
घुसड़ी के 5 दिन तक तो तुम्हारी कोई खून खराबा नहीं होना था, अब क्या हुआ? अब सब कुछ करना है तुम्हें? देखो बेटा पिंटू सुनो, तुम मुहूर्त निकालते रहोगे हम तुम्हें प्रसाद दे देंगे, समझे? अब क्या माजरा क्या चल रहा सब बता दियो हमें। मैं बताता हूँ क्या चल रहा है, कि मुझे मारकर अब किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और जो प्रॉपर्टी बची है ना, उसे ट्रस्ट को दान दे दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है। मुझे तो इस छिनहाल औरत पर पहले ही शक था, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था कर रखी थी। यकीन ना हो तो प्रॉपर्टी के पेपर निकलवा के देख लो, उसमें ना मेरा नाम मिलेगा और ना तुम्हारा। तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया है। लेकिन लकी, तू अभी भी लकी है, तेरे पास अभी मौका है। अगर तू इसको मेरे सामने मारेगा ना, तो अपना बचा हुआ सब कुछ तुझको दे दूंगा। एक तो भोसड़ी का पता नहीं कितने लॉकडाउन लग गया, हमारा पैसा तो हमको मिला ही नहीं। चुप, हमारा और मत्था खराब, समझे? पिंटू तुम ना, तुम जो सुनो लकी जी सुनो, अरे सुनो, रुको को मैं बताता हूँ तुमको। ए, चलो इनको लेके बाहर जाओ, चलो चलो। सुनिए लकी जी, बात ये है। अरे पंडित जी, कितना पैसा है तुम्हारे पास? अरे कुछ है नहीं, कि हवा में ही तीर चलाए दे रहे हो। पंडित जी अब आप निकलिए। पैसे में बड़ी ताकत होती है। मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते हो, समझ में नहीं आता तेरे को।